गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं साउंड ऑफ वोवेल ई पढ़ाऊंगी आज। ई का साउंड आपका क्या था? ए। फिर आपका देखिए ई का ए, जी का ग, एल के साथ ई जी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लेग। फिर बी के साथ ई जी को जोड़ देंगे तो आपका हो गया बैग। फिर पी के साथ ई जी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पेग। फिर ये देखिए आपका ये क्या है? ई। ई का ए, डी का ड, तो आप ई डी के साथ बी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बेड। फिर एफ के साथ ई डी को जोड़ देंगे, फैट। फिर एल के साथ ई डी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लेड। फिर आपका ए एन के साथ डी को जोड़ेंगे, नहीं ई को, आप देखिए ई का ए, एन का ना। फिर आपको डी के साथ ई एन को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डेन। फिर आपका एच के साथ ई एन को जोड़ेंगे तो क्या होगा? हैन। टी के साथ जोड़ेंगे ई एन को तो क्या होगा? टेन। फिर आपका ई का ए, टी का ट, तो आपका ई और टी के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका नेट। फिर आपके पी के साथ ई टी को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? पेट। फिर आपका जे के साथ ई टी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जेट। फिर आप ये देखिए ई का ए, फिर ल का, एल का ल, फिर ये देखिए टी के साथ ई एल एल को जोड़ देंगे तो क्या होगा? टेल। फिर एफ के साथ ई डबल एल को जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा? फेल। फिर बी के साथ ई एल को जोड़ देंगे तो क्या होगा? बेल। इसी तरह आप लोग इसको बार बार इसको पढ़िए आप लोग इसी तरह। जैसे देखिए लेग, बैग, पेग, बेड, फेड, लेड, डेन, हैन, टेन, नेट, पेट, जेट, टेल, फेल, वेल। इसी तरह आप लोग इसको घर में बार बार रिपीट करेंगे और आप इसको केवल अपने पढ़ने के लिए, आप लोग इसको याद करने के लिए इसको आप रखिए, और बाकी आप जो लिख के मेरे को भेजेंगे, आप यहाँ से लिख कर लेकर यहाँ तक आप मेरे को लिख कर भेजें। आप इसको 2 times भी लिख सकते हैं, 1 times भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आप इसको 2 times लिखें वो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसको बार बार आप पढ़ेंगे, पढ़ने से क्या आप लोगों को ये साउंड जो है वो आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर आप अपने आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह, मैंने आपको कुछ मालूम हो तो आप इसमें और भी वर्ड को जोड़कर भेज सकते हैं। अच्छे से लिखेगा, साफ सुथरा लिखेगा, और मैंने जैसे ये रेड लाइन में ऐसे लिख के ऊपर लिखा है, ये आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आगे करके दूसरे पेज का भी यूज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते, यहीं से ही आपको लिखना है, ये रेड लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाता है। आप अपना इसका प्रैक्टिस करिए, इसको ई साउंड को लिखिए और मेरे को भेजिए। थैंक यू।